नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार विधानसभा में आज का मॉनसून सत्र धमाकेदार होने वाला है। बता दें आपको कि अग्निपथ योजना से लेकर बिहार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, और यही वजह है कि आज कई सारे सवालों के साथ विपक्ष बिहार विधानसभा में पहुंचेगा और सरकार पे जमकर निशाना भी साधा जाएगा। ऐसे में बात अगर हम करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लगातार बैठक की जा रही है और इस बैठक में इस बात को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर विपक्ष को जवाब कैसे देना है। और यही वजह है कि आज सदन जो है वो हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आज बिहार विधानसभा के बाहर से और सदन से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरता है, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है अग्निपथ योजना, और इस योजना को लेकर विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और यही वजह है कि इस योजना को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को वापस लेना होगा, नहीं तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। और यही वजह है कि इस योजना को लेकर जो राजनीति है वो आज देखने को मिलेगी। लेकिन इस सबके बीच अगर हम सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें तो बीजेपी का यह कहना है कि यह योजना कहीं से भी गलत नहीं है। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर इस वक्त बीजेपी और जेडीयू की राय भी दो दिखाई दे रही है, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और साथ ही विपक्ष के साथ इस वक्त जनता दल यूनाइटेड भी इस योजना को वापस लिए जाने की बात कर रहा है। और यही वजह है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सदन में जोरदार हंगामा होने की पूरी संभावना जताई गई है। ऐसे में सरकार ने भी ठान ली है कि विपक्ष को तमाम जो जवाब है वो दिए जाएंगे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था पे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पे हो, रोजगार पे हो, इन तमाम चीजों पर जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस, माले, भाकपा और साथ ही आरजेडी के जितने भी विधायक हैं उन सभी की तरफ से रणनीति बनाई गई है, हाथ में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर सरकार के खिलाफ जमकर सदन में नारेबाजी की जाएगी। और यही वजह है कि इसको लेकर आज बिहार विधानसभा से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। दिन भर क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को किस तरह से जवाब देता है, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।